शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। चना उपार्जन केंद्र बंद होने से किसान पहले से ही परेशान है, अब धान उत्पादकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में देर से खरीदी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किसानों को लगा कि अगर इस साल धान की पैदावार अच्छी हुई है तो रेट भी अच्छा रहेगा, लेकिन उपार्जन केंद्र खुलने के बाद भी किसानों की समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं मानसून की शुरुआत के साथ विदर्भ से सभी जिलों में धान खरीद केंद्र अलग अलग नियमों के साथ शुरू हो गए हैं, लेकिन इन नियमों से किसान परेशान हैं। इसके अलावा गोंदिया जिले के धान खरीदी केंद्र को समय से पहले बंद कर दिया गया था, जो किसान समस्या और भी जो जिससे किसान की समस्या और भी बढ़ गई है। इसके बाद विदर्भ के सभी विधायकों ने धान खरीदी को लेकर किसानों की समस्याओं को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के सामने रखा है। ऐसे में अब देखना होगा कि धान की खरीदी निर्धारित समय में पूरी होती है या नहीं। वह विदर्भ में धान का उत्पादन अधिक है और किसान केवल खरीद केंद्रों पर निर्भर हैं। क्रय केंद्र के अलावा कहीं भी उचित मूल्य नहीं है। इस वर्ष उपार्जन केंद्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कुल 8 जिलों में 9.6 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान की खरीद हो रही है और कहीं खरीद के लिए 14 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा रखी गई है। वहीं आदिवासी विकास निगम द्वारा धान की खरीद की जा रही है, इसलिए किसानों का कहना है कि अन्य धान उत्पादकों के साथ अन्याय हो रहा है। किसान अब आदिवासी निगम की ओर से सरकार द्वारा शुरू की गई केंद्र पर धान की खरीद सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि सभी जिलों में एक जैसे नियम होने चाहिए, अगर नियमों में तत्काल बदलाव किया जाता है तो इसका लाभ किसानों को मिलेगा। विदर्भ के सभी जिलों के किसान ने विदर्भ के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उन्हें अपनी सभी समस्याओं से अवगत कराया। इसके बाद सभी विधायकों ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को मामले की जानकारी दी है और समाधान निकालने का अनुरोध किया है। अगर 14 क्विंटल की सीमा तय की गई है तो किसानों को नुकसान से बचाया जा सकेगा, नहीं तो किसानों को खुले बाजार में कम दाम पर धान बेचना होगा। विदर्भ में धान मुख्य फसल है, यहाँ के किसान खरीफ और रवि दोनों मौसमों में धान की खेती कर रहे हैं। हालांकि इसका क्षेत्रफल रवि की तुलना में खरीफ से अधिक है। इसके अलावा विदर्भ के गढ़चिरौली, वहीं चंद्रपुर, भंडारा और गोंदिया जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इस वर्ष अनुकूल वातावरण के कारण उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऐसे में यदि उपार्जन केंद्र पर धान खरीद की सीमा बढ़ा दी जाती है तो इससे किसानों को काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। फिलहाल किसानों को उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें प्रशासन की ओर से मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।